हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये जो ओशियन एलईडी स्ट्रिप है उसी के बारे में दिखाऊंगा दोस्तों, बताऊंगा दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी एलईडी लाइट है, इसको हमारे यहाँ मतलब झालर भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसको ये देख सकते हैं, इसकी ये पैकेजिंग है और ये रिमोट कंट्रोल के साथ में आती है और ये 12 वोल्ट पर वर्क करती है दोस्तों, और ये डायरेक्ट हम लाइट से भी चला सकते हैं। इस पर लिखा भी है RGB कंट्रोलर बॉक्स, ये देखिए, और इसी से सब कुछ कंट्रोल होता है। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। बहुत मेहनत से वीडियो बनते हैं, वीडियो बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है, तो इसलिए दोस्तों मेरे मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और फटाफट हम आगे का प्रोसेस दिखाते हैं दोस्तों। और दोस्तों सबसे मेन बात, इसमें ये रिमोट अपने मोबाइल से भी इसको चला सकते हैं, मोबाइल ऐप होता है सेम, आप LED वो डालेंगे रिमोट, तो RGB रिमोट तो वो प्ले स्टोर में ये आ जाएगा दोस्तों, उसे डाउनलोड कर लेना बहुत सिंपल सा, और उसी से पूरी फुल कंट्रोल हो जाती है। और ये इतना अच्छा नहीं चलेगा जितना अच्छा मोबाइल से ये हमारी स्ट्रिप जलेगी। और हाँ दोस्तों, हमने इस स्ट्रिप लाइट को इस वीडियो में आगे जलाकर दिखाया भी है, और इसे मोबाइल से कैसे चलाएं और इसे अपने मोबाइल से चलाने के लिए कौन सा ऐप डाउनलोड करें, इसके बारे में सारी जानकारी दी है। तो दोस्तों वीडियो को इस बिल्कुल भी नहीं करना है, एक तरफ पूरा देखना है। और दोस्तों इस रिमोट में इतने सारे बटन वाले फंक्शन दिए हैं, ये कैसे काम करते हैं ये भी मैंने दिखाया है, इनके बारे में भी मैंने बताया है, और इससे संबंधित और भी जानकारी आगे वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तब तक इसको ओपन करते हैं, देखते हैं अंदर, और ये तो देखो दोस्तों ये तो खुल गई, और ये दोस्तों इसमें लाइट हमारी लगी है जो कि दोस्तों ये वाटरप्रूफ है, क्योंकि इस पे ये लगा है, बहुत ही मजबूत और वाटरप्रूफ है, और ये इस तरीके से हम निकाल लेंगे यूज करने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं आज निकालूंगा नहीं, निकाल के क्या फ़ायदा, अभी मैं ऐसे ही जला के आप लोगों को दिखा दूँगा। और ये रहा इसका दोस्तों, ये डायरेक्ट 220 वोल्ट में इसको लगा दो और ये 12 वोल्ट कन्वर्ट करके देता है। और दूसरी चीज, और ये रहा इसका दूसरा आइटम दोस्तों, इसको लाइट में हम लगा कर और इसको इस ऐसे यहाँ लगा देंगे, और इसको हम दोस्तों इस लाइट को अभी पूरा सेटअप करके दिखा दूँ। इसमें दोस्तों निशान लगे हुए हैं, आप लोगों को दिखा दूँ पहले, क्लियर हो जा भाई। ये जो तीर का निशान यहाँ पे लगा बहुत छोटा सा, शायद आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, हाँ ये ऐसा बिल्कुल सेम इसी तरह का इसमें भी निशान है, अभी दिखा दूँ, ये देखते देख सकते हैं, दोनों निशान दोस्तों एक साइड में रहेंगे तभी इसका सही कनेक्शन होगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उल्टा अगर लग जाएंगे ये निशान इधर का इधर हो जाएगा या इधर उधर हो जाएगा तो दोस्तों ये ख़राब हो सकती है, और इतनी जल्दी नहीं ख़राब होगी क्योंकि मुझसे एक दो बार गलती हो चुकी है, तभी बता रहा हूँ, बस ये दोस्तों ध्यान रखना आप लोग। ये दोस्तों इसका सेंसर है, रिमोट इसी पर काम करता है, और ये इसको सिंपल से इस तरह से फिट कर लेनी है इसमें लगा कर। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सेटअप कंप्लीट, और बस इसको हम लाइट में लगा देंगे। और दोस्तों हमारा ये रिमोट कंट्रोल का सेल डेड हो चुका है, सेल ख़राब हो चुका है, यहाँ इसमें सेल भी पड़ता है और इजीली चेंज कर सकते हो आप लोग, इसे 3 वोल्ट का सेल पड़ता है इसमें। और दोस्तों मैं आप लोगों को फिलहाल दिखा दूँ, और दोस्तों ये मेरी स्ट्रिप लाइट ऑन हो चुकी है, तो इस झालर को हम अभी अपने मोबाइल से भी आप लोगों को चलाकर दिखाएंगे लाइव रूप। तो इसका प्राइस भी बहुत कम है, ये ऑनलाइन तो बहुत महंगी दिखाते हैं, लेकिन ये ऑफलाइन आप लोगों को 100 रुपये के आसपास मिल जाएगी, 100-150 के आसपास। दोस्तों मैं ये 2 साल हो गई हैं मुझे लाए हुए, तो इसका प्राइस मुझे याद नहीं है क्लियर, और मैं इसे
हर साल दीपावली पर यूज करता हूँ। और दोस्तों अब हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और दिखाते हैं आप लोगों को सारा सेटअप। तो दोस्तों हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं और दोस्तों हमने इस लाइट के रिमोट वाले ऐप को पहले से ही इंस्टॉल करके रख लिया है, जिसका नाम है RGB LED रिमोट। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो। और दोस्तों अब हम इसके रिमोट को हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों रिमोट को ओपन करने पर इसका इंटरफेस कुछ इस तरह दिखता है। और दोस्तों अब हम अपने मोबाइल के कैमरा को ऑन कर लेते हैं। और दोस्तों ये मेरी दरवाजे पे जो आप लोगों को लाइट दिख रही है, ये वही स्ट्रिप लाइट है जो मैंने पीछे वीडियो में दिखाया है, वो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और अब मैं इसके कलर को चेंज करके दिखाऊंगा आप लोगों को अभी। तो दोस्तों मैंने ये सारा वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से बनाया है जो आप देख रहे हो आप लोग, क्योंकि दोस्तों मेरे पास मोबाइल के अलावा दूसरा कैमरा नहीं है, इसीलिए मुझे ऐसा ये वीडियो बनाना। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रिप लाइट सिंपल में ही जल रही है और इसका अब हम फंक्शन चेंज करने जा रहे हैं। मैंने रिमोट को ओपन कर लिया है और देखो इस पर ब्लिंक कर रहा है रेड लाइट, मैंने बटन प्रेस किया है और देख सकते हैं दोस्तों पहले सिंपल थी, अब ये ग्रीन और रेड कलर में ब्लिंक कर रही है। तो इसी तरह मैं अभी और भी सेटिंग दिखाऊंगा आप लोगों को रिमोट के माध्यम से। दोस्तों ये अब ग्रीन और रेड चल रही है। इसके बाद दोस्तों मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा, अभी देखना ब्लिंक करने की। अब रिमोट में देख सकते हैं ऊपर साइड में इसके हम बटन जब भी दाबेंगे तब वो रेड लाइट आएगी, ये देखिए आ रही है। देखिए दोस्तों झालर की हम स्पीड बढ़ा रहे हैं और अब देख सकते हैं पहले सिर्फ ग्रीन और रेड था, अब देखो वही इतनी तेज ब्लिंक करने लगा और पहले बहुत स्लो ब्लिंक कर रहा था, तो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा सेटअप मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा कैमरा नहीं है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी ये लग रही है लाइट। इसी तरह से हम और भी अभी फंक्शन बदल रहे हैं, आप लोगों को दिखा दें। ये फिर से मैंने प्रेस किया दो तीन बार, तो देख सकते हैं दूसरा फंक्शन आने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हैं अब इसको मैंने स्लो कर दिया और ये स्लो ब्लिंक कर रही है, और अभी दूसरा फिर चेंज करेंगे। अब दोस्तों इसको हम रेड करेंगे और वो भी सिंपल में, देखिए ये मतलब सिंपल ही है रेड, ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये दोस्तों झालर मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए सोचा मैं आप लोगों को भी बता दूं। और ये एकदम बेस्ट है, वाटरप्रूफ भी है और रिमोट कंट्रोल भी है, मोबाइल से भी चलती है, सब तरीके से चलती है। यही फंक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें जितने रिमोट में बटन आप देख रहे हैं वो सारे काम करते हैं, उतने सारे कलर हैं जितने रिमोट में आप लोगों को बटन दिख रहे होंगे। और देखिए मैंने फिर से चेंज कर दिया है, पहले रेड था अब ग्रीन कर दिया है, और अब मैं फिर से इसको चेंज करूँगा। तो देख सकते थे पहले ग्रीन था अब ये ब्लू हो गया है। तो ये दोस्तों इसी तरह से हम मोबाइल से चला सकते हैं और ये काम इसी तरह से करता है, इसे ब्लिंक बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। अब देखिए ये येलो हो गया पीला, और इसको मैं फिर से दूसरा कलर चेंज कर दूंगा। दोस्तों इस बार देखिए बहुत हल्के हल्के से ब्लिंक कर रही है, ये इसमें एक दूसरा कंट्रोलर है सेटअप। तो दोस्तों आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही गैजेट संबंधी नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। और मैं इसी तरह लाता रहूँगा आप लोगों के लिए गैजेट से संबंधी नए नए वीडियो। तो तब तक के लिए बाय कह रहा हूँ और मिलते हैं अगले एक नए धमाकेदार वीडियो में।